नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर डॉट कॉम पर और मैं हूँ पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर देश की खास खबरों पर। ऑल टाइम हाई पर खुला शेयर बाजार, पीएसयू बैंक और एनर्जी शेयरों में खरीदारी, महीने के आखिरी दिन निवेशकों पर वर्षे 1.75 लाख करोड़। भाजपा सीईसी की बैठक में 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मुहर, करनाल की बजाय लाडवा से लड़ सकते हैं सीएम सैनी। जय शाह को आईसीसी चेयरमैन बनने पर ममता बनर्जी ने गृह मंत्री पर कसा तंज, कहा बधाई हो गृह मंत्री जी, आपका बेटा राजनेता नहीं बना है बल्कि आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, जो कि अधिकांश राजनेताओं के पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सिंधु दुर्ग छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने का मामला, कंसल्टेंट गिरफ्तार, डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले दोषियों को सजा मिलेगी, स्मारक दोबारा बनाएंगे। शिंदे ने कहा छत्रपति शिवाजी की मूर्ति ढहने पर 100 बार माफी मांगने को तैयार। अरब सागर के साइक्लोन का कच्छ में असर, मकान खाली करने के आदेश, स्कूलों की छुट्टी, भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। केंद्रीय मंत्री और सांसद चिराग पासवान ने कहा बंगाल में उपजे हालात चिंता का विषय, तेजस्वी बिना मतलब की राजनीति कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं राज्य की प्रमुख खबरें। बयाना में गंभीर, नदी में डूबे युवक का 24 घंटे बाद भी सुराग नहीं, गांव में शोक की लहर। राजस्थान में 1 सितंबर से 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर, 68 लाख परिवार को होगा फायदा, बैंक खाते में आएगी सब्सिडी। दौसा में जेजेएम के कार्यों की जांच पर जिला परिषद मीटिंग में भिड़े पार्षद, बीच बचाव करना पड़ा। शैलावास सेंट्रल जेल में लादेन और आनंदपाल गैंग आमने सामने, बचाव में आए जेलर के साथ धक्का मुक्की। आइए अब नजर डालते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरों पर। 31 अगस्त को मुंबई में फिर प्रदर्शित होगी शोले। माता पिता बनने के बाद नए घर में शिफ्ट होंगे रणवीर, दीपिका बनेंगे शाहरुख के पड़ोसी। आइए अब देखते हैं खेल जगत की खास खबरें। जो रूट ने अपना 33वां शतक, दिवंगत ग्राहम थॉर्प को किया समर्पित। न्यूजीलैंड की डिवाइन महिला विश्व कप के बाद T20 कप्तानी छोड़ेंगी। आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत की खास खबरों पर। भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 334 हुई, गौतम अडानी और उनका परिवार शीर्ष पर। पब्लिक एनसीडी के जरिए अडानी एंटरप्राइजेस जुटाएंगी 800 करोड़ रुपए, 4 सितंबर से खुलेगा इशू। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। कमला हैरिस ने नीतिगत बदलावों का किया बचाव, बोली मूल्य नहीं बदले हैं। बांग्लादेश में आई विनाशकारी बाढ़ में अब तक 52 लोगों की मौत। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।